महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कहर मचाया, वहीं अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, परंतु ऐसे कई और भी राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम मोदी का ऐलान, दिवाली तक मुफ्त मिलेगा अनाज, जाने कौन ले सकता है इसका फायदा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश भर के करीबन 80 करोड़ लोगों को इस साल दिवाली तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। इस बात की घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए की। इस योजना का मकसद कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंदों को अनाज मुहैया कराना है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आप इस स्कीम के तहत मुफ्त में अनाज ले सकेंगे। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जैसे कि सड़क के किनारे रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर, इन सभी को प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी घोषणा भी की है, जिसमें कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों का टीकाकरण अब मुफ्त में किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दूसरी लहर के पीक के बाद पहली बार कोरोना के मामले 1 लाख से कम, 2115 मरीजों की मौत। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोविड महामारी की रफ्तार देश में धीमी होती दिखाई दे रही है। देश में रविवार को कोविड 19 के 87295 नए मामले सामने आए, जबकि 63 दिन के बाद देश में एक ही दिन में 1 लाख से ये कम कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96563 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं मौतों के मामले भी कम हुए हैं, पिछले 24 घंटे में 2115 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस तरह अनलॉक होगा बिहार, जाने कल से क्या खुलेगा और क्या नहीं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश के बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी कोविड महामारी की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं आज लॉकडाउन 4 का अंतिम दिन है। सबकी निगाहें आज होने वाली आपदा प्रबंधन समूह की बैठक पर टिकी हुई है, जिसमें ये तय होगा कि कल से बिहार में क्या खुलेगा और क्या नहीं। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 5 में भी और कई तरह की छूट मिलने की उम्मीद है। दुकानों के खुलने के वक्त में और ज्यादा छूट मिल सकती है। साथ ही आवागमन से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार की बैठक में लिए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि अभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत है, पर माना ये जा रहा है कि अब दुकानों को शाम 4 बजे या उसके बाद भी खोलने की अनुमति रहेगी। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आप जिस भी राज्य या शहर में रहते हैं वहाँ का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपके राज्य और शहर की खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इंडियन रेलवे 16 स्पेशल ट्रेनों को फिर से कर रहा है शुरू, 2 ट्रेनें कर दी है रद्द। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे डिवीजन ने जून 2021 में ही 16 स्पेशल ट्रेनों को बहाल करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 2 नई स्पेशल सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों को इसी महीने वो चलाएगी, और साथ ही 2 ट्रेनों के फेरों में भी बदलाव किया जाएगा। इस बीच रेलवे ने जून के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें रद्द भी कर दी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 16 जून से नया शिक्षा सत्र, स्कूल खोलने पर विचार कर रही है सरकार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार 16 जून से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। इस दिन से शिक्षा सत्र की शुरुआत होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति ठीक रही तो 16 जून के बाद स्कूल खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के शिक्षणों के विकल्प मौजूद हैं। स्कूल खोलने के लिए विभाग अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है, खासकर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को बुलाने के लिए मंथन किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि वैक्सीन लगवाने वालों को बंपर ऑफर दे रहा है ये सरकारी बैंक। FD कराने पर अब मिलेगा 0.30% ज्यादा ब्याज। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सरकारी बैंकों ने डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने की घोषणा कर दी है, लेकिन एक सीमित अवधि के लिए।
लिए। इस ऑफर के तहत डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलेगा, हालांकि ये एक सीमित अवधि के लिए होगा। सरकारी बैंक यूको बैंक कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाने वालों को 999 दिनों के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD पर 30 आधार अंक यानी कि 0.30% ज्यादा ब्याज की पेशकश कर रहा है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी लोगों को कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष जमा योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत बैंक टीका लगवा चुके लोगों को मान्य कार्ड दर पर 0.25% अधिक ब्याज देगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिका ने कहा कि वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस, अमेरिकी रिपोर्ट ने दावे पर लगा दी है मुहर। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि चीन से निकलकर पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। कोरोना महामारी से अब तक दुनिया भर में करोड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं और लाखों लोगों की जान चली गई है, लेकिन अब तक दुनिया इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। हाल ही में एक नए अध्ययन में दावा किया गया और कहा गया कि कोरोना वायरस चीन के वुहान के उसी लैब से बना था जिस पर दुनिया का शक है, लेकिन अब अमेरिकी लैब की एक रिपोर्ट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च करवा रही है। इसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के चीन की वुहान लैब से लीक होने की संभावना अधिक है और साथ ही कहा गया है कि इस जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी के अब सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त, 7:00 से सुबह 7:00 तक लागू रहेगी पाबंदियां। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है, जिसे देखते हुए प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7:00 से लेकर 7:00 तक बाजार खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमाघर, मॉल और जिम पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह ही लागू रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब जानवरों को भी लगने लगा है टीका, रूस ने बनाई दुनिया की पहली वैक्सीन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर किए गए शोधों में ऐसा दावा किया गया है कि SARS-CoV-2 वायरस चमगादड़ों ने इंसानों में फैलाया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के लक्षण जानवरों में भी देखने को मिल रहे हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि अब कोरोना वायरस इंसानों से जानवरों में फैल रहा है। हालांकि रूस ने जानवरों को लगने वाली वैक्सीन को भी बना लिया है। रूस में पहली बार किसी जानवर को वैक्सीन की खुराक दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि EPFO ने बदल दिया है ये जरूरी नियम, 6 करोड़ नौकरी पेशा जल्द से जल्द अपडेट कर लें अकाउंट। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि EPFO के 6 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए जरूरी खबर है। संगठन ने एक नए नियम में बदलाव किया है जिससे कि नौकरी पेशा के लिए मुश्किल आ सकती है। दरअसल संगठन ने PF खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि UAN को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी बना दिया है। इसके लिए EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव किया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी कि ECR फाइलिंग प्रोटोकॉल बदल गया है। दोस्तों आपको बता दें कि EPFO ने हालिया में ट्वीट करके कहा है कि एम्प्लॉयर 1 जून 2021 के बाद उसी कर्मचारी की ECR फाइल कर पाएंगे जिसके UAN से आधार लिंक होगा। जिनका आधार अपडेट नहीं होगा उनका ECR अलग से भरा जाएगा। वो बाद में कर्मचारी का UAN आधार से जोड़ सकते हैं, लेकिन सभी को इसे जल्द से जल्द करवाना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पुडुचेरी में और छूट के साथ 14 जून तक लॉकडाउन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन कुछ और छूटों के साथ 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में यहां सोमवार देर रात जारी सरकारी आदेश के अनुसार मंगलवार सुबह 9:00 से 5:00 तक शराब और ताड़ी की दुकानों सहित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बसें चलेंगी और समुद्र तट यानी कि बीच को भी लोगों के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।